दोस्तों अब बात कर लेते हैं कल यानी 7 अगस्त को भारत कौन कौन से खेल में भाग लेगा। अगर हम भारत के खिलाड़ियों की बात करें तो ये भारत के खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक में अपने खेल का प्रदर्शन करने का अंतिम दिन होगा। भारत कौन कौन से खेल में भाग लेगा, चलो बात करते हैं। एथलेटिक्स, सबसे पहले एथलेटिक्स की बात करते हैं। एथलेटिक्स के अंदर जैवलिन थ्रो का मुकाबला है जिसमें भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा चुनौती पेश करेंगे। नीरज ने अभी तक क्वालिफाइंग राउंड में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए नंबर वन पोजीशन पर हैं, पर अगर हम फाइनल की बात करते हैं तो हमने काफ़ी बार देखा है जो क्वालिफाइंग राउंड में अंतिम पोजीशन पर रहकर क्वालिफाई करते हैं वो भी मेडल की रेस में आ जाते हैं। फाइनल के अंदर नीरज को फुल मोटिवेट होकर आत्मविश्वास के साथ बिना प्रेशर लिए हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, मेडल की चिंता छोड़कर अपना बेहतरीन खेल खेलना होगा। मुकाबले का समय इवनिंग में 4:30 पर है। गोल्फ के अंदर राउंड 4 के लिए अंतिम मुकाबला होगा जिसमें भारत की तरफ से अदिति अशोक और दीक्षा डागर चुनौती पेश कर रही हैं। अदिति अशोक ने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। अदिति 3 राउंड के बाद बड़ी मजबूती के साथ दूसरे नंबर पर है। अगर कल का खेल जबरदस्त रहा तो अदिति स्वर्ण पदक के लिए भी चुनौती पेश कर सकती है। गोल्फ का मुकाबला सुबह 3 शुरू हो जाएगा। कुश्ती के अंदर भारत के बजरंग पुनिया राउंड 16 क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद सेमीफाइनल में हार गए थे। अब बजरंग कल कांस्य पदक के लिए कुश्ती करेंगे और समय होगा 3:15 पर। दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जहां आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई किया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।